अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट वन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सनालिटी एंड सोशल डेवलपमेंट जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चों की पर्सनालिटी और जो सोशल डेवलपमेंट है एक्चुअली वो क्या मकसद रखती है मकसद ये है कि हम उन्हें अच्छा सिटीज़न बनाना चाहते हैं मकसद ये है कि लिटरेचर उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है कैसे जब वो दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं तो वो एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ जाते हैं और एक अच्छे माशरे की तश्ील मुमकिन हो सकती है अब हम इस टॉपिक पे जंप इन करते हैं और देखते हैं कि हम पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट में क्या पढ़ने जा रहे हैं हमारे सामने सबसे पहले जो चीज़ ये है कि चिल्ड्रन लिटरेचर बच्चों को मदद करता है केयरिंग इंटेलिजेंट और फ्रेंडली पर्सन बनने में वो केयरिंग तभी हो सकते हैं जब वो ये रियलाइज कर सकें कि उसके और मेरे इमोशन कैसे एक जैसे हैं या हमारी सिचुएशन कैसे कॉमन हो जाती है हम तमाम इंसान कैसे कॉमन सीनेर जो है उसको फेस करते हैं दूसरी चीज़ चिल्ड्रन लिटरेचर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में मदद करता है कि बच्चे अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं उन लोगों के बारे में जिनको वो नहीं जानते या वो लोग जो उनसे डिफरेंट हैं और उनके लिए केयरिंग और लविंग एटीट्यूड रखते हैं लिटरेचर ये सारी पर्सनैलिटीज डिवेलप करने में बच्चों की बहुत मदद करता है दैन वी हैलिटी सोशल डिवेलपमेंट में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बहुत कॉमन ऐसे इमोशंस के बारे में बताएं जो ह्यूमन इमोशंस हैं और ये बताएं कि हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है सबसे पहले है आपका सेल्फिशनेस का इशू बहुत से बच्चे जो हैं वो उस इमोशन को नहीं समझते जब हम लिटरेचर से पढ़ाते हैं कि ये एक नेचुरल इमोशन है और हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं तो बच्चे लर्न करते हैं हाउ टू कंट्रोल इट इसका कंट्रोल हमें क्या सिखाता है हाउ वी नीड टू केयर फॉर द अदर वन और हम दूसरे लोगों के डिफरेंसेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं अगर वो हमारे जैसे नहीं दिखते या वो हमारी जैसी आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते तो भी हमें उन्हें उनसे कैसे मोहब्बत करनी है तो भी हमें उनको कैसे एक्सेप्ट करना है और उनके साथ चलना है और लिटरेचर बच्चों को क्या सिखाता है वो ये सिखाता है कि आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है फ्री अवेलेबल है आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं YouTube पे इसको जाके सुन सकते हैं द डिगर एंड द फ्लावर अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी डिगर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है और फ्लावर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है दोनों की पावर्स में भी बहुत फर्क है लेकिन जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा देन द बिग अम्ब्रेला बिग अम्ब्रेला इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कहानी ये कहानी हमें ये बताती है कि आपका अगर दिल बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके अंदर कितने लोगों को संभालें तो so ये एक बिग अम्ब्रेला है और एक रेनी वेदर में आ, इसका ऑनर इसे लेके बाहर जाता है और देखता है कि मुख्तलिफ लोग बारिश में खड़े हैं और वो उन्हें ऑफर करता है कि आप मेरी अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं और अम्ब्रेला के अंदर आने के लिए वो उन्हें बताता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे हों छोटे हों काले हों पीले हों आपने जॉगर्स पहने हों आपने हील्स पहनी हों या आप हमसे कितने ही डिफरेंट दिखते हो आप इस अम्ब्रेला में अकोमोडेट हो सकते हैं और इस अम्ब्रेला में वैरायटी ऑफ कल्चर्स और वैल्यूज के लोगों को इकट्ठा करने की कैपेसिटी मौजूद है सो डियर स्टूडेंट आप इस कहानी को जरूर पढ़िएगा और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये केयरिंग और फ्रेंडली एटीट्यूड कहानियों के थ्रू कैसे बच्चों में कन्वे होता है फर्स्ट यू विल गोइंग टू रीड इट आउट थिंक ओवर इट कि ये क्या है ये कैसे डिवेलप किया जा सकता है हम बच्चों से इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं और हम इनके अंदर इन चीजों को कैसे डिवेलप कर सकते हैं सो so, अब हम मिलेंगे यूनिट वन के टॉपिक टू में उस वक्त तक के लिए थैंक यू सो मच